अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नमस्कारम, धर्म यात्रा विद आद्या में आपका स्वागत है। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में हम आ गए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में माँ शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर उज्जैन में स्थित है, जिसे अवंतिका और उज्जैनी नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल यही ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में उज्जैनी की प्रशंसा की है। तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ की पौराणिक मान्यता, इसके इतिहास और साथ ही यहाँ की यात्रा के बारे में। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी माना जाता है। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत पसंद है। एक बार की बात है, अवंतिका नगरी में एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, संस्कृत और सुव्रत। उन्हीं दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उज्जैन वासियों को बहुत परेशान करने लगा। उस राक्षस के आतंक से सब जगह हाहाकार मच गया। फिर भी वे 4 ब्राह्मण भाई भयभीत न होकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिए। इस बात से दूषण को क्रोध आया और उन चारों को मारने के लिए उसने तलवार उठाई। जैसे ही वह मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी स्थान पर जमीन पर एक गड्ढा बना और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने उन असुरों को कहा कि तुम जैसे असुरों के विनाश के लिए ही मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार महाकाल शिव जी ने अपने हुंकार मात्र से ही उन असुरों का विनाश कर दिया। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना को मानते हुए बाबा महादेव वही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ के बारे में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा रहते थे, जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन वे शिव पूजन में लीन थे कि तभी एक ग्वालिन विधवा स्त्री अपने 5 साल के बच्चे के साथ महाकाल के दर्शन के लिए वहां आई। वह बालक राजा को देखकर बहुत प्रेरित हुआ। उस बालक ने घर जाकर उसी विधि से पूजन करने का निर्णय किया और एक पत्थर लाकर एकांत में जाकर स्थापित कर दिया। उसने उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया और राजा के जैसे ही पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे खाने बुलाया पर वो नहीं आया और पूजा में लीन रहा। तब माता को क्रोध आ गया और उसने पत्थर और पूजन की सारी सामग्री को फेंक दिया। वो बालक रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। बालक की भक्ति से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। जब बालक होश में आया तो उसके सामने एक बहुत विशाल मंदिर खड़ा था। उस भव्य मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर शिवलिंग था। ग्वालिन भी शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। धीरे धीरे वहां भीड़ लग गया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा, हे मानव, भगवान शिव जी के लिए आप सभी से बढ़कर कोई नहीं है। जिस तरह इस बालक पर शिव जी ने कृपा की है, उसी तरह अपने हर भक्तों पर करेंगे। यह बालक मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करेगा। इसके साथ ही इस बालक के वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद जी उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी चले गए। इस तरह महाकालेश्वर वहां साक्षात विराजमान हो गए। यहां के इतिहास की माने तो उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईसवी पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर को विध्वंस कर दिया गया। उसके बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। 18वीं सदी के 4थे दशक में मराठा साम्राज्य का मालवा पर अधिपत्य हो गया, जिसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वसनीय सरदार राणोजी शिंदे को सौंपा, जिन्होंने 18वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है, उसका निर्माण राणोजी शिंदे ने ही करवाया है। चलिए अब वर्तमान में आते हैं और हम आपको यहाँ की यात्रा के बारे में बताते हैं।
मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीन खंड है, जिसमें से निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इसके साथ ही गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा भी पश्चिम, उत्तर और पूर्व में स्थापित है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर के 118 शिखर स्वर्ण मंडित है। महाकाल के मंदिर में जाकर जूना महाकाल के दर्शन करना भी जरूरी माना जाता है, वरना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ पास में ही हरि सिद्धि मंदिर है, जो देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है, जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से करके शिवजी को जगाया जाता है। यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शिवपुराण के अनुसार राख को सृष्टि का सार माना गया है, क्योंकि पूरी सृष्टि एक दिन इसी राख में परिवर्तित हो जाएगी। भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं, जो बताता है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में ही मिल जाएगी। आज भी यहाँ के राजा बाबा महाकाल को ही माना जाता है। कहा जाता है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है, इसलिए कोई और राजा यहाँ पर नहीं ठहरते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी रात के समय उज्जैन में नहीं ठहरते हैं। संभव हो तो एक बार महाकाल का दर्शन करने हेतु यहाँ अवश्य आए। अगर आप वायुमार्ग से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो यहाँ से करीब 58 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी या बस पकड़कर उज्जैन पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से उज्जैन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग से भी यह सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यहाँ आकर भस्म आरती अवश्य देखें। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको भस्म आरती में मौजूद रहने की सीधी परमिशन मिल जाती है। यह बुकिंग आप मंदिर की वेबसाइट से करवा सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन श्रद्धालुओं को रात 1 बजे से ही लाइन में लगना होता है। इसके अलावा आप कभी भी बाबा महाकालेश्वर की ऑनलाइन लाइव दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाते हैं, जिसके दर्शन मात्र करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिलते हैं अगले दिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से श्रद्धा पूर्वक बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम, आप सबों से एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।